खुदा क्या बात है आसमान नीचे जहां सब
निकालो ले जाओ घर. थैंक यू सर. थैंक यू. ओह मैन. मणि यार शर्म करो थोड़ा सा लाइफ में. इतने से हो और आवाज इतनी सी है. माय गॉड. नवदीप थैंक यू. मतलब हम अक्सर आपको बोलते हैं ना कि आप अलग नया भी चीज हो. अब दो अलग नायाब चीज साथ में गा रहे हैं, अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने अंदाज में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि भेजा फटे जा रहा है. मतलब थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. लोग कहते हैं ना कि एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, तो ये एक ही दिमाग है कितनी बार फोड़ोगे यार. मतलब नवदीप मणि आपने मौसम बदल दिया. Judges, please in his scores दे दीजिए. विदीप्ता वो ना हम ना कह रहे थे कि ये जो कपड़े हमने पहने हैं ना ये हमने नहीं बनाए हैं. बहुत खूबसूरत लग रही हो विदीप्ता. बहुत ही खूबसूरत. एंड जिस तरह से आज आपने गाया बहुत प्यारा, बहुत प्यारा. 17 साल की उम्र में आप इतना यू नो पुराना लेजेंडरी गाना आप गा रही हैं और इतने अच्छे से गा रही हैं. मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई. थैंक यू. ग्रेट जॉब. बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आए हैं कि आप लोग आगे चलकर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे और वो अपने आप में उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत ग्रेट गाते हों. और उस लेवल का ये परफॉर्मेंस था. फैंटास्टिक. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. विदीप्ता आपने तो मुझे बहुत साल पहले पहुंचा दिया. मैंने आनंद दादा जी को बोला कि आपका ये गीत आपको नहीं मेरी फिल्म को भी बहुत उठाएगा. और यही बात मैं आज विदीप्ता आपसे दोहराता हूं क्योंकि जब मैंने देखा कि आप अपने माता पिता के पांव छूने गए तो आप में एक अपना संस्कार है और कला हमेशा संस्कारी लोगों को ही मिलती है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जब भी मैं किसी नए टैलेंट को देखता हूं तो मैं उसको बड़ा गौर से देखता हूं और मेरे अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, कभी गलत भी होती हैं कभी सही भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर सही होती हैं. क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? मैंने जब भी किसी हीरो या हीरोइन से पूछा है, चाहे वो जैकी श्रॉफ थे या महिमा चौधरी थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप हीरोइन बनना पसंद करेंगे तो उनका जवाब ये होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है. और बाद में हुआ और यही शायद आपके साथ हो सकता है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सुभाष जी मैं आपकी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ. जब भी आप चाहें यू कैन कॉल मी. वो समय आने वाला है जब लड़के लड़कियों के रोल करना शुरू कर देंगे. वेरी वेल डन विदीप्ता. मजा आ गया. एक बार विदीप्ता के लिए जोरदार तालियां हो जाए.
आदि, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैं सुभाष जी से जरूर करना चाहूंगा कि आज तो हमारे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ड्रीम डेब्यू में द ग्रैंड द शोमैन सुभाष जी यहां पर आए हैं, लेकिन अगली बार पूरे सुभाष गाइस स्पेशल में उन्हें यहां पर आना ही होगा। सर आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं हम इंडियन आइडल में। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं यहां पर हूं। शो एक्चुअली मेरी मम्मी का फेवरेट है। हर हफ्ते कुछ भी हो जाए ये सब कुछ छोड़ के ये शो देखने वाली है। और विनीत और संजुति बहुत बड़ी फैन है मेरी माँ आप लोग की। ओ माय गॉड, मैंने भी आपके बहुत गाने सुने हैं एंड यू गाइज आर सुपर्ब। इसके आने से ऐसे लगा इफेक्शन का एक सैलाब सा आ गया। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बेटा खूब तरक्की करे, जीते रहे। तो यश, ऐसे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, एक आपकी परफॉर्मेंस तो हम यहाँ देख कर ही रहेंगे। ऑडियंस, अरे देखना चाहते हैं कि नहीं भाई? चिची चलो, चलो सर, हो जाए सर, पिताजी और बेटे का परफॉर्मेंस। क्या बात है, ओहो। जोरदार तालियां हो जाए तो यशवर्धन एंड गोविंदा सर, क्या बात है, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। आज ये जो हुआ है ना, मुझे लगता है हम सब ने यहां पर एक सुपरस्टार का जन्म देखा है। वाह। यश, हमारे शो को एंजॉय कीजिए, अपनी मम्मी के पास गुड बॉय बन के बैठिए, और मम्मी के पास जो बैठता है उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती है, वो अलग बात है। ज्यादा बकवास मत कर भाई। अरे सुनीता जी, लव यू सुनीता जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।